हेलो, आई थिंक मैं ऑडिबल ना, आई एम ऑडिबल। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का रिवीजन। चैप्टर का रिवीजन, तो चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि सब बिना पढ़े रिवीजन लेक्चर देखने से अगर आपको काम हो जाएगा तब बिल्कुल गलत सोचते हो। फिर अकेले रिवीजन लेक्चर से आपको कोई काम नहीं होने वाला। ठीक है, रिवीजन लेक्चर आपके लिए तब बेनिफिशियल है जब आप ऑलरेडी इस चैप्टर को टीचर के पढ़ाने के बाद दो बार कम से कम 2 बार पढ़ चुके हो खुद से। अगर तो खुद से 2 बार रिवीजन आप कर चुके हो तभी ये रिवीजन आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज ये रिवीजन आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताऊँगा, केवल जो इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगती है बस वही रिवाइज कराऊंगा, रिपीट कराऊंगा केवल। ठीक है, तो अगर आपने खुद से, मेरा कहने का यही है कि अगर आपने खुद से इसको घर पर 2-3 बार अगर पढ़ रखा है इस चैप्टर को तभी रिविजन लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज रिविजन लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर कि पहले खुद से पढ़ो, ये टाइम नहीं है तो आपकी गलती है, आपके क्लास में मोमेंट पर बैठ के पढ़ने के लिए तो ये गलती है आपकी है ना, इसमें कुछ हो नहीं सकता। दो सेकंड रुकना, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के रिवीजन को। ठीक है, बहुत जल्दी करेंगे हम। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपको स्पीड फास्ट लगे तो आई थिंक यूट्यूब पर स्पीड स्लो हो जाती है तो आप स्पीड स्लो कर सकते हो। ठीक है, 2 सेकंड रुको जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 13 पे जिसने आपको 13-14 है ऑलमोस्ट। ठीक है, करते हैं इसको भी। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, पॉपुलेशन डायनामिक्स। तो पॉपुलेशन मतलब क्या, पॉपुलेशन का मतलब क्या था, पॉपुलेशन का मतलब था टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट स्पेसिफिक एरिया एट पर्टिकुलर टाइम। एक स्पेसिफिक लोकेशन पर कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग अपना घर बनाकर रह रहे हैं, तो उन नंबर ऑफ पीपल को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। नंबर ऑफ पीपल को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। और पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या होता है, पॉपुलेशन डायनेमिक एक स्टडी है, एक क्या है, स्टडी है इनके बारे में, स्टडी इनके बारे में स्टडी सर, किस चीज़ के रिगार्डिंग स्टडी, कि जो पॉपुलेशन है ना ये कैसे और क्यों कैसे और चेंज होती है। पॉपुलेशन डायनेमिक्स की एक तरह की स्टडी है, एक तरह की क्या है, स्टडी है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। सर पॉपुलेशन रिगार्डिंग क्या स्टडी करते हैं, कैसे और क्या, कैसे और क्यों, कैसे और क्यों, ये जो पॉपुलेशन साइज है वो चेंज होता है, या जो पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज होता है, पॉपुलेशन साइज कैसे चेंज होता है, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, पॉपुलेशन का साइज क्यों चेंज होता है, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्यों चेंज होता है, इस चीज़ को पढ़ने की कला, इस चीज़ को पढ़ने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो पॉपुलेशन डायनेमिक्स होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड मतलब है कि हमारे इंडिया में, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड में पॉपुलेशन किस तरह से डिवाइड की गई है, कितने किस कैसे लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, कितने लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। तो ऐसा माना गया है ऐसा सर्च किया गया है कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड के टोटल जितनी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसके 59.5% 59.5% तो एशिया में रहती है, एशिया में रहती है। और ये जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, ये इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। सर डेवलपिंग कंट्रीज ग्रो करती जा रही हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन भी ग्रो होती जा रही है। और ऐसा एस्टिमेट किया गया कि 2100 ईयर्स तक, 2100 ईयर्स तक ये जो पॉपुलेशन है, जो आज के टाइम पर 7.37 बिलियन समथिंग है, वो 11.2 बिलियन हो जाएगी, वो 11.2 बिलियन हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कॉन्टिनेंट का नाम बताओ, तो वह एशिया। अगर आपसे पूछ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री का नाम बताओ, तो वह चाइना। सर, पॉपुलेशन किस चीज़ से अफेक्ट होती है, पॉपुलेशन का साइज है वो किस अफेक्ट होता है? पॉपुलेशन का साइज ना, तीन चीजों से अफेक्ट होता है, फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट, या फिर डेथ रेट और मोर्टिलिटी रेट, या फिर इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ये तीन रीजन्स हैं जिसकी वजह से कम होता है। सो फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट क्या होता है बेसिकली? फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट सिमिलर होते हैं, ये दोनों वर्ड सिमिलर है, एक ही नहीं है, सेम नहीं है, सिमिलर है, यानी दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इनका सिमिलरिटी है बर्न होना, बच्चे बर्न होना। तुम कह रहे अगर बच्चे बर्न होंगे, अगर बच्चे बर्न होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी ना, तो फिर पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, इंक्रीज होगा, इंक्रीज मतलब चेंज आया। हाँ, तो चेंज आया, तो इसलिए लिखा कि पॉपुलेशन में चेंज आ जाता है इस फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए जानना, कि फर्टिलिटी रेट क्या होता है और बर्थ रेट क्या होता है। तो फर्टिलिटी रेट बेसिकली होता है कि पर लेडी, पर वुमेन कितने बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, पर वुमेन कितने बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, एक लेडी के कितने बच्चे बॉर्न हो रहे हैं। तो ये जो रेट है, ये जो रेट, इस रेट को, इस स्पीड को बोला जाता है फर्टिलिटी रेट। इसको क्या बोलता है, फर्टिलिटी रेट। लेकिन बर्थ रेट मतलब क्या है, बर्थ रेट मतलब सिंपल सा होता है कि देखो, एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में, एक साल में कितने बच्चे बॉर्न हो रहे हैं आउट ऑफ 1000%, आउट ऑफ 1000%, सिंपल सा। ये क्या कहता है, हमारा बर्थ रेट कहता है। ठीक है सर, अगर यहाँ पे बर्थ के में अगर डेथ कर दूँ तो डेथ रेट बन जाएगा, कि एक साल में एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में कितने लोगों की डेथ हो रही है आउट ऑफ 1000 पीपल, तो उससे क्या बन जाएगा, मेरा डेथ रेट बन जाएगा। ठीक है, तो डेथ रेट और बर्थ रेट की डेफिनेशन सेम है, और जब डेथ रेट ज़्यादा होगी, यानी जब लोगों की ज़्यादा डेथ होगी, तो पॉपुलेशन के साथ पॉपुलेशन होगा, यानी कि पॉपुलेशन चेंज हो रही है। हाँ, इमिग्रेशन एमिग्रेशन, इसके बाद पूरा हमारा थर्ड चैप्टर है ये माइग्रेशन वाला, और डिटेल में। तो इमिग्रेशन इमिग्रेशन मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, तो इससे हमारी पॉपुलेशन के साइज पर फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन उसमें से देखा जाए तो पॉपुलेशन के जो साइज पर जो फर्क पड़ता है ना, वो वर्ल्ड लेवल पे कुछ नहीं पड़ता, ओवरऑल लेवल लेवल पर कुछ नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, जिस जगह से जा रहे हैं और जिस जगह पर आ रहे हैं, उन जगह के पॉपुलेशन पर फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर कोई आगरा से, कोई इंडिया से यूएस जा रहा है, तो इंडिया तो होगी होम कंट्री और यूएस होगी डेस्टिनेशन कंट्री, तो इंडिया से जा रहे हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, यूएस की बढ़ जाएगी, लेकिन इंडिया और यूएस की अगर टोटल मिला के देखें तो टोटल सेम ही रहेगी। ठीक है, और इसके ऊपर ज़्यादा पढ़ना है तो आप क्यूब पास पूरा चैप्टर है ये, वहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। एक चीज़ आती है कि सर, अगर बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है, या फिर डेथ रेट का ज़्यादा है और बर्थ रेट कम है, हाँ, तो दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, जो डिफरेंस होगा ना बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में, तो उसको हम एक चीज़ बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, इसको आप नेट भी बोल सकते हो आप, लेकिन लिखना एग्जाम में नेचुरल ही है, आप रफली लैंग्वेज में नेट बोल सकते हो, कि आपने प्लस में से माइनस वाला माइनस कर दिया, नेट आ गया आपके पास, इसको नेचुरल ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। पॉपुलेशन की डेंसिटी बताओ, डेंसिटी मतलब क्या? तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ध्यान रखो, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या है, कितने लोग कितनी जगह पर रह रहे हैं, पीपल इन रिलेशन टू लैंड, पीपल इन रिलेशन टू लैंड, नंबर ऑफ पीपल इन रिलेशन टू लैंड, कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पर, एक स्पेसिफिक जगह पर कितने लोग रह रहे हैं, तो इस चीज़ को बोला जाता है डेंसिटी। क्या बोलता है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन लिविंग एट दैट पर्टिकुलर लैंड एरिया, उस लैंड एरिया पर कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है,
पॉपुलेशन को तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डेंसिटी के बेस पे, एक डेंसली पॉपुलेटेड, एक मॉडरेटली पॉपुलेटेड, एक स्पार्सली पॉपुलेटेड। मॉडरेटली डेंसली मतलब क्या, बहुत ज़्यादा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। मॉड और स्पार्सली लोग रहते हैं, जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। मॉडरेटली मतलब क्या, एवरेज, जहाँ पर नॉर्मली नॉर्मल नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, मतलब सफिशेंट है, ना कम है ना ज़्यादा है, ठीक है, एक नॉर्मल लेवल मेंटेन है, ठीक है। एफ्लुएंट रीजन्स, ऐसा क्या इन रीजन्स में, ऐसा क्या इन जगहों में कि यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं? कुछ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हैं, कुछ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हैं इंसानों के रहने के लिए, कुछ उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है काम पैदा करने के लिए, जिस वजह से लोग वहाँ पर रहते हैं, जिस वजह से लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। सर कौन कौन सी जगह ऐसी हैं? कुछ सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, चाइना, जापान, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक्सेट्रा, ठीक है। फिर सर वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप में भी कुछ कंट्रीज हैं, यूके, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, पोलैंड एक्सेट्रा, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में कुछ कंट्रीज हैं, यूएसए, कैनेडा, स्पार्सली। फिर आता है स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन। सर स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन, ये इन रीजन्स में लोग कम क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ना फेवरेबल नहीं होता, अनफेवरेबल होता है। यहाँ का क्लाइमेट हार्श होता है, यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, काफ़ी हार्श होता है। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, बट एक्सट्रीम का टेम्परेचर, और टेम्परेचर बिल्कुल एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम मतलब कि एकदम कोनों पर, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, फिर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, फिर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। सर एग्जाम्पल दो, ऐसी कौन से डेजर्ट, ज़्यादा गर्मी, कोल्ड पोलर रीजन, सर बहुत ज़्यादा सर्दी, डेजर्ट ऑफ द एमेजॉन रेन फॉरेस्ट ऑफ द एमेजॉन जियर बेसिन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं। मॉडरेटली का इन्होंने बताया नहीं, मॉडरेट का, मॉडरेट का मैं आपको बताया, तो मॉडरेट मतलब यहाँ पर नॉर्मल नंबर पीपल रहते हैं, ठीक है। सर पॉपुलेशन डेंसिटी और क्यों बताती है? पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ नहीं बताती, वो सिंपल सी बताती है कि एक स्पेसिफिक जगह पर कितने लोग रह रहे हैं, जिसको आप ऐसे बोल सकते हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो जल्दी शोन एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, कि हर एक किलोमीटर पर, हर एक किलोमीटर में, हर एक किलोमीटर के डिस्टेंस पर, हर एक किलोमीटर के एरिए पर कितने लोग रह रहे हैं, हर एक किलोमीटर स्क्वायर के एरिए पर कितने लोग रह रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। फिर दूसरी जाती है ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन सर बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है। नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन अ कंट्री इज मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ कंट्री, लोग ज़्यादा हैं पर लोगों के लिए रिसोर्सेज कम है, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ओवर पॉपुलेशन बोलते हैं। अंडर पॉपुलेशन मतलब क्या, लोग कम हैं पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वो उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको कंप्लीटली यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज बेकार जा रहे हैं, तब तो हो गया अंडर पॉपुलेशन, ठीक है। और ध्यान रखना अंडर पॉपुलेशन या ओवर पॉपुलेशन का मतलब नंबर ऑफ पीपल से नहीं होता, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं तो आप उसको ओवर पॉपुलेशन बोल दो, नहीं। ओवर पॉपुलेशन कहता है कि नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं लेकिन इन रिलेशन टू क्या, इन रिलेशन टू रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के कंपेरिजन में अगर पीपल ज़्यादा हैं तो हम उसको ओवर पॉपुलेशन बोलते हैं। ये नहीं कि सर रहने वाले लोग तो बहुत हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल हैं, लेकिन रिसोर्सेज भी हमारे पास उनके लिए सफिशियंट है, तो हम उसको ओवर पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो हम उसको ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन की ऐसा कुछ होता ही नहीं होता। ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज का नाम पहले सुन लो, ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज का नाम क्या क्या है, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, जापान, ठीक है। वो पॉपुलेशन किस वजह से होता है, ओवर पॉपुलेशन किस वजह से होता है, तो देखो उसके रीजंस क्या क्या हैं। पहले तो बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, बर्थ रेट या फिर फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, सब बच्चे बहुत बॉर्न हो रहे हैं, बच्चे बहुत बॉर्न हो रहे हैं, तो सब पॉपुलेशन बढ़ेगी, ओवर पॉपुलेशन होगी होगी, ठीक है।
या फिर डेथ रेट कम हो रही है, डेथ रेट डिक्लाइन हो रही है, डेथ रेट डिक्लाइन हो रही है। सर लोगों की डेथ बहुत कम हो रही है, लोगों की डेथ ही नहीं हो रही है, लोगों की डेथ हो रही है तो बहुत कम हो रही है। तो सर आपकी पॉपुलेशन कम ही नहीं होगी, आपकी बहुत धीरे धीरे कम होगी, तो आपकी पॉपुलेशन ओवर रहेगी रहेगी, है ना? या फिर आपके बस यही रीजन्स हैं, ठीक है, यही रीजन्स हैं। इन्होंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फर्टिलिटी। मैंने आपको सिंपल बता दिया, बर्थ रेट और फर्टिलिटी रेट, ठीक है। प्रॉब्लम्स ओवर पॉपुलेशन सर, प्रॉब ओवर पॉपुलेशन के उसके प्रॉब्लम्स होती हैं, हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ओवर पॉपुलेशन के साथ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बहुत जल्दी जल्दी, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों के पास अब रिसोर्सेज ही नहीं है, इतनी तो जॉब ही नहीं है, लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। हाउसिंग एंड हेल्थ है, लोगों के पास रहने के लिए घर ही नहीं बच रहे हैं, अब हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये काफ़ी चीज़ें हैं। और ओवर पॉपुलेशन और किस किस चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत चीज़ों पर। डिप्रेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओवर पॉपुलेशन में लोग ज़्यादा हैं, रहने वाले कम हैं, वो लोग ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो पता है इन लोगों के पास घर भी कम पड़े थे, उन्होंने पढ़ा था। तो घर के लिए क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट करेंगे, मतलब क्या? पहला तो ये क्या करेंगे, इनकी जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में वो सारे यूज़ कर लेंगे, सारे क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, तो वो ख़राब होगा, ठीक है। दूसरा एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल हाजर, एनवायरमेंटल हाजर मतलब क्या, अब इनके पास रहने के लिए घर तो है नहीं, तो एक घर बनाने के लिए क्या करेंगे, पेड़ वगैरह काटेंगे, जंगल वगैरह को काटेंगे, तो नेचुरल हमारी जो प्रॉपर्टीज है उनको ये क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो एनवायरमेंटल हाजार्ड है। अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पॉवर्टी फैलेगी, हेल्थ एंड सैनिटेशन वाला जो सिस्टम है वो ख़राब होगा, हमारा इम्बैलेंस ट्रेड, ट्रेड हमारा इम्बैलेंस होगा। क्यों क्यों इम्बैलेंस होगा? बेसिकली सर हमारे यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं और हमारे पास लोगों के लिए रिसोर्स कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा ना, तो बाहर से मंगाएंगे तो ये अच्छी बात है गलत बात है? तो हमारे तरफ से पैसा जाएगा अगर हम बाहर से मंगाएंगे, तो हमारा ट्रेड थोड़ा इम्बेलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी ओवर पॉपुलेशन की। इसी तरह के कुछ पॉपुलेशन वो प्रॉब्लम्स रहती हैं अंडर पॉपुलेशन के साथ। तो अंडर पॉपुलेटेड एरियाज के बारे में बताओ, अंडर पॉपुलेशन एरियाज हैं कॉन्गो, एमेजॉन रिवर बेसिन, जैसे प्रेरी रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पिटकेन आइलैंड, मंगोलिया, 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 नामीबिया, फ्रेंच गुआना, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, ठीक है। आपके कॉजेस ऑफ अंडर पॉपुलेशन, कॉजेस ऑफ अंडर पॉपुलेशन सर, अंडर पॉपुलेशन के ज्यादा रीजन क्या है, क्यों क्यों होता है? अरे खुद दिमाग लगाओ भाई, तीन फैक्टर्स हैं आपके, फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, मॉर्टिलिटी रेट, या फिर इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। तो सर अगर बर्थ रेट कम होगी, बर्थ रेट या फर्टिलिटी रेट कम होगी, तो सर पॉपुलेशन अंडर रहेगी, या फिर डेथ रेट बहुत ज़्यादा होगी तो अंडर पॉपुलेशन रहेगी, या फिर इमिग्रेशन, इमिग्रेशन बहुत कम हो रहा है, लोग जा ही नहीं रहे यहाँ से, सॉरी लोग बहुत बार बहुत जा रहे हैं यहाँ से, लोग बहुत जा रहे हैं यहाँ से, तो अंडर पॉपुलेटेड रहेगा, ठीक है। सर लोग जाते हैं और कोई लोग आते हैं, तो क्यों? कुछ पुश एंड पुल फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से लोग आते जाते रहते हैं, कुछ पुश या पुल फैक्टर्स होते हैं जो जिस वजह से लोग आते जाते रहते हैं। तो पुश फैक्टर्स मतलब क्या, आपकी कोई मजबूरी है इसलिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो ऐसे रीजन्स को, ऐसे रीजन्स को बोला था पुश फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स मतलब क्या, आपको ना कुछ चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, आपको कोई ना चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, कोई रीजन है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जिस वजह से आपको दूसरी कंट्री जाना चाह रहे हो, उसको बोलते हैं पुल फैक्टर, ठीक है। आप इंडिया से यूएस इसलिए जा रहे हो कि आपको इंडिया में जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन यूएस में आपको जॉब मिली, तो ये पुश फैक्टर है, आपकी मजबूरी है, आपको जाना पड़ेगा जॉब के लिए, लेकिन आपको इंडिया में जॉब है ऑलरेडी, लेकिन इंडिया में आपको मिलने 50,000 रुपये पर मंथ, लेकिन यूएस वाले आपको ऑफर कर रहे हैं 1 लाख पर मंथ, तब एक बेटर बेटर जॉब के लिए, बेटर अर्निंग के लिए आप वहाँ पे जा रहे हो, तो अट्रैक्शन है आपका, ये क्या आप अट्रैक्ट हो रहे हो अच्छी इनकम से, तो ये आपका पुल फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया आपका पुल फैक्टर हो गया, ठीक है। अंडर पॉपुलेशन कैसे प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन सर, पॉपुलेशन पता नहीं कहाँ कहाँ होती है, बहुत दूर दूर होती है, पता ही नहीं चलता सर, बहुत कम लोग हैं ना, तो लोगों पर कंट्रोल ही नहीं होता सर, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, जगह बहुत सारी है हमारे पास,
पर लोग रहे कहाँ कहाँ है पता नहीं, रिमोटनेस, बहुत दूर दूर लोग रह रहे हैं, बहुत दूर दूर लोग रह रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो, यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, रिसोर्सेज बेकार जा रहे हैं, ठीक है, और जितने हमारे पास कैपेसिटी है और डेवलप करने की, हम वो डेवलप ही नहीं कर पा रहे। क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे? क्योंकि ऑलरेडी जो है वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ऑलरेडी जो हमारे पास है वही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ग्रोथ इंडस्ट्री की ग्रोथ ही नहीं हो रही। क्यों नहीं ग्रोथ हो रही है? क्योंकि आप चीज़ें यूज़ ही नहीं कर रहे, जब यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो इंडस्ट्री प्रोड्यूस क्या करेगी? इंडस्ट्री वही तो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे जब यूज़ करोगे। आप कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो एक इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। और क्या होता है इसकी वजह से? क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स आती है। क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? अब आप जिन जगहों पर अब रह नहीं रहे तो वहाँ पर आप क्लाइमेट का ध्यान नहीं रखोगे, क्लाइमेट का ध्यान रखोगे तो वहाँ का क्लाइमेट खराब भी होगा। और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसकी वजह से? इकॉनमी अनस्टेबल हो जाती है, अभी बताया था, इंडस्ट्री वगैरह पर फर्क पड़ेगा ना। लेबर शॉर्टेज सर, काम करने के लिए लोग ही नहीं है, लोग ही कम है ना, तो काम करने के लिए भी लोग नहीं है, लेबर शॉर्टेज, डिक्रीज इन पॉल्यूशन। हाँ ये अच्छा इफेक्ट है कि पॉल्यूशन बहुत कम होगा इसकी वजह से, लोग कम है तो वो गंदगी कम फैलाएंगे, ठीक है। तो साइंस सबसे बढ़िया क्या रहता है ना, तो ज़्यादा पॉपुलेशन अच्छी रहती है ना कम अच्छी रहती है, तो सब बेटर क्या रहता है? बेटर था ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम मतलब क्या? व्हेन कंट्री इज मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज, जब कंट्री के पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, अगर वो उसको प्रॉपरली यूज कर पा रही है अपनी पॉपुलेशन के साथ, हाँ, तो उस नंबर ऑफ पॉपुलेशन को, उस पॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है। सर सेक्टर सेलेक्टिंग पॉपुलेशन, सर अभी पढ़ा था ऊपर, डेथ रेट, मॉर्टलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, वो था साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन था, ये सिर्फ पॉपुलेशन है। दोनों में डिफरेंस डिफरेंस क्या है? साइज ऑफ पॉपुलेशन में ये बताता था कि लोग ज़्यादा हैं कम है, लोग ज़्यादा हैं या कम है किसी एक रेस्पेक्टिव जगह पर, किसी एक रेस्पेक्टिव जगह पर तो नहीं कह सकते, आपको आप उसको समझ सकते हो, हाँ, कि वो नंबर्स बताता था कि टोटल नंबर, नंबर्स के बेसिस पर पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है, तो उनको अफेक्ट करने वाले रीजंस तो बहुत ही थे। लेकिन यहाँ पता किसी एक स्पेसिफिक जगह पर लोग कम ज़्यादा हैं, किसी एक स्पेसिफिक जगह पर, कि इंडिया में लोग ज़्यादा हैं, ब्राज़ील में कम है, ऐसा क्यों? इंडिया में ज़्यादा हैं, कॉन्गो रिवर बेसिन पे बहुत कम है, तो ऐसा क्यों? तो ऐसे रीजंस क्या क्या हैं वो पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ो क्या कह रहा है। मोर देन 90% ऑफ जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना वो कहाँ रहती है? लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ लैंड सरफेस, यानी 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन ना वर्ल्ड की 10% लैंड पर रहती है, यानी वर्ल्ड में 90% लैंड तो अभी भी खाली डली हुई है, हम उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की पॉपुलेशन किस किन चीज़ों से अफेक्ट होता है। पहला क्लाइमेट, सर इंडिया का क्लाइमेट कॉन्गो रिवर बेसिन की क्लाइमेट से अच्छा है, इसलिए इंडिया में लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं एक लेके चलता हूँ, ठीक है, सारे तो नहीं दूंगा मैं, सारे आप बुक से पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने बोला कि आप ये दो तीनों पढ़ चुके होंगे तभी आपके लिए बेनिफिशियल है। टोपोग्राफी ऑफ लैंडफॉर्म्स, सर आपके यहाँ पे अगर वेरियस तरह के लैंडफॉर्म्स हैं जो अलग अलग काम के लिए सूटेबल हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। लेकिन आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर एक ही तरह की लैंडफॉर्म है, या तो माउंटेन ही माउंटेन है या फिर डेजर्ट ही डेजर्ट है, तो वहाँ पर लोग नहीं रहेंगे ना। तो इंडिया के पास हर तरह का है, हर तरह का एनवायरनमेंट है, हर तरह का क्या है लैंडफॉर्म है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। वाटर नहीं, वाटर से पहले एक पॉइंट आ रहे हैं, सॉइल, सर आप जिस जगह पर रह रहे हो कि वहाँ की सॉइल फर्टाइल है या नहीं, सर सॉइल की फर्टिलिटी से क्या फर्क पड़ेगा? मेन काम तो होता है इंसान का एग्रीकल्चर ना, खाना खाएंगे तो खाना खाने के एग्रीकल्चर तो करना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग, फार्मिंग कैसे करोगे? चीज़ों को ग्रो करके चीज़ें ग्रो कब होंगी? फ्रूट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉर्न वगैरह कैसे ग्रो होंगे जब सॉइल फर्टाइल होगी? अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है किसी जगह पर तो वहाँ पर इंसान रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो सॉइल फर्टिलिटी भी क्या करती है? अफेक्ट करती है पॉपुलेशन को। वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अगर आपके पास आपके एरिया में वाटर नहीं तो क्या आप ऐसी जगह पर रहोगे? नहीं रहोगे, आप बाहर से ले आओगे। तो हाँ, वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी क्या करती है? हमारी पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। सो वाटर क्या होता है? ऐसी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है। सो वाटर के अलावा और भी चीज़ों की जरूरत हमें पड़ती है। अगर वो चीज़ अवेलेबल हो रही है हमें हमारी लोकेशन पर, तो हम वहाँ पर रहेंगे।
अगर नहीं होती तो वहां से चले जाएंगे, तो इससे भी हमारी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे उस जगह की पॉपुलेशन कम हो जाएगी जहाँ से हम जा रहे हैं। साइज ऑफ द कंट्री सर, साइज ऑफ द कंट्री से फर्क पड़ता है। अगर कंट्री छोटी है, कंट्री का साइज ही छोटा है, तो लोग ही कम आ पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। सॉरी, और कंट्री का साइज अगर बड़ा है तो वहां पर ज्यादा लोग आ पाएंगे, तो साइज ऑफ कंट्री का फर्क पड़ता है पॉपुलेशन पर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर मतलब क्या, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स पे कई फर्क पड़ता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन, आपकी लोकेशन कैसी है, उसका भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली यहाँ पे कंपोजिशन हम देखते हैं स्ट्रक्चर, आई थिंक है ना, ये स्ट्रक्चर ही है आपका, कि आपकी जो पॉपुलेशन है ना उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। लास्ट टॉपिक है आपका, कि आपका जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से डिवाइड है, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है। तो वो कह रहा है पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब मीनिंग बता रहा है। पॉपुलेशन कंपोजिशन मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर जो क्या इंक्लूड करता है, सेक्स, हेल्थ, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल। यानी उसको मेल फीमेल के बेस पर डिवाइड कर सकते हो, हेल्दी अनहेल्दी के बेस पर डिफाइंड कर सकते हो, लिटरेट इलिटरेट के बेस पर डिफाइंड कर सकते हो, तो जॉब वाले नॉन जॉब वाले लोगों के ऊपर डिफाइंड कर सकते हो, इनकम लेवल के बेस पर डिफाइंड कर सकते हो, ठीक है। और वो कह रहा है इसके पायरामिड के ऊपर भी एक, इट कैन ऑल्सो भी एक्सप्लेन ना पायरामिड, इसके पायरामिड की तरह भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको, एजेस एक्सपायरमेंट बोलते हैं, ये नीचे बने हुए हैं, ठीक है। तीन तरह के होते हैं, हम पढ़ेंगे अभी। हमने अपने पॉपुलेशन को ना काफी दोस्त में बांट रखा है, 5 से 9 साल के बच्चे, 10 से 14 साल के बच्चे, ठीक है, 15 से 25 साल के बच्चे, है ना, अलग अलग तरीके के ऐसे। अब वो कह रहे हैं इसको मेनली हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, और फिर मेल और फीमेल को भी फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। या तो 15 साल से छोटे होंगे, 15 साल से अबव होंगे, 65 एज तक। जो 15 साल छोटे उसको हम बोलते हैं यंग डिपेंडेंट, यंग डिपेंडेंट, और जो 15 से ऊपर होते हैं लेकिन 65 एज तक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डरली डिपेंडेंट। और 15 से 65 साल के जो लोग होते हैं उनको वर्किंग एज मानते हैं, वर्किंग एज या फिर इकोनॉमिकली अचीव एज, मतलब क्या है कि काम करने वाले लोगों की एज है, इस एज के लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इंडिया में तो नहीं करते, इंडिया में तो 20 बाईस की बात करते हैं, इंडिया में 20 बाईस की बात करते हैं, पर बाकी कंट्री में 15 साल से ऊपर के बच्चे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वो इंटर्नशिप, वो ट्रेनिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रेनिंग वगैरह में उनको काफ़ी सारी इनकम मिलने लगती है, ठीक है। तो पहला हमने इसको बात एज के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है, जिसको आप पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू समझ सकते हो। एज स्ट्रक्चर को, एज स्ट्रक्चर को आप कैसे समझ सकते हो, कि हमने किस एज पर लोग ग्रुप डिवाइड किए हैं, किस एज पर हमने ग्रुप डिवाइड किए गए हैं, तो ये आप कैसे समझ सकते हो। पॉपुलेशन पिरामिड की तरह से आप इसको समझ सकते हो, पॉपुलेशन पिरामिड के कॉन्सेप्ट से इसको समझ सकते हो। पॉपुलेशन पिरामिड क्या करता है, इलस्ट्रेट करता है, समझाता है आपको क्या एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन, कि किस एज के किस तरह के लोग हैं, इस एज के कितने मेल हैं, इस एज के कितने फीमेल हैं, ये हमें बताता है पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। इन पॉपुलेशन पिरामिड टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। हमने पॉपुलेशन पिरामिड में भी बहुत सारे ग्रुप्स में क्या कर रखा है, पॉपुलेशन को डिवाइड कर रखा है 5 से 9 साल, 10 से 14 साल, है ना, वेरियस वेरियस। और हमने पॉपुलेशन पिरामिड को तीन तरह की शेप दी है, यूथफुल वालों के लिए यूथफुल पॉपुलेशन बनाया, यूथफुल पॉपुलेशन पिरामिड, जो लोग बढ़ रहे हैं इनकी एज बढ़ रही है अभी उनको एजिंग पॉपुलेशन, और इनकी ऑलरेडी बढ़ चुकी है ओल्ड हो चुकी है उनके लिए एज्ड पॉपुलेशन पिरामिड। तो देखो ये तीन तरह के, यूथ पॉपुलेशन पिरामिड, एजिंग पॉपुलेशन और एज्ड पॉपुलेशन, और तीन तरह के होते हैं, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ध्यान के रखना है यहाँ पे आपको, यूथफुल पॉपुलेशन जो होता है वो टॉप पर नैरो होता है, टॉप पर क्या होता है, नैरो होता है, लेकिन बॉटम पे कैसे होता है, ब्रॉड। एज पॉपुलेशन क्या होता है, ये टॉप पर तो नैरो होता है लेकिन मिडिल में क्या होता है, सबसे ज्यादा ब्रॉड होता है। एज पॉपुलेशन क्या होता है, ये भी टॉप पर तो नैरो होता है और मिडिल में क्या होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है।
दूसरा सेक्स कंपल्सन अभी सेक्स रेशो मतलब क्या कि एज कंपेयर टू मेल्स कितने फीमेल्स हैं इसको बोलते हैं सेक्स रेशो। एज कंपेयर टू मेल्स कितने फीमेल्स हैं इसको क्या बोलते हैं सेक्स रेशो। ठीक है, ये हम कंपेयर करते हैं आउट ऑफ 1000 मेल्स, आउट ऑफ 1000 मेल्स। ठीक है, एक है रूरल अर्बन कंपोजिशन। रूरल अर्बन कंपोजिशन मतलब क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहर में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं टाउन में रहते हैं। तो इस बेस पर भी हमने क्या क्या अपने पॉपुलेशन डिफाइन किया गया कि ऑलमोस्ट हमारे वर्ल्ड के, हमारे ऑलमोस्ट वर्ल्ड के कितने लोग गाँव में रहते हैं, भी रूरल एरियाज में रहते हैं, या फिर कितने लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो ये भी हमारा तरीका है स्ट्रक्चर बनाने का। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन से हम घर यहाँ पे पढ़ लेना। MEDC, LEDC, MEDC मतलब मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज, LEDC लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज। हो गया रिवीजन, इतना डिटेल में तो रिवीजन कभी हो ही नहीं पाता, रिवीजन डिटेल के लिए नहीं होता। ठीक है, डिटेल में अगर आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है तो उसके लिए तो आपको वीडियो भी देखनी पड़ेगी, चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा पूरा डिटेल में। ठीक है, रिविजन होता है ओवरऑल ऊपर से टॉपिक को दिखाने के लिए कि ऊपर चैप्टर में है क्या क्या है, बेसिक क्या क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ठीक है, तो आपके चैप्टर का रिविजन कम्प्लीट हो गया। ये दो तीन आपके ऐसे के एमसीक्यू मार्क नहीं, तो मार्क कर लो, पहले का वर्ल्ड पॉपुलेशन है, दूसरे का रूरल पॉपुलेशन है, थर्ड का पढ़ डाल लेते हैं। ठीक है, बाकी तो आपके आइटम हो गए होंगे, तो क्लोज कर